साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम कृषि और सहकारिता के बजट पर चर्चा करेंगे। देखिए, बजट हर वर्ष आता है और बजट, मेरा ये मानना है, तीन चीजों पे उसकी सफलता निर्भर करती है। हम कोई भी योजना बनाते हैं, उस योजना के लिए बजट का प्रावधान करते हैं और उस योजना की सफलता और असफलता निर्भर करती है तीन चीजों पे। पहला है बेसिक सर्वे, कि हम पहले बेसिक सर्वे करें और पिछले साल का देखें कि हमें क्या क्या कमियां रही, हमारी मांग क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। तो ये पहला पॉइंट हमने कर लिया और हमने बजट का प्रावधान कर दिया, उसके आधार पर उन आवश्यकताओं को देखते हुए, उन जरूरतों को देखते हुए हमने बजट पेश कर दिया। बजट में अब दूसरे दो बिंदु क्या है जो इस बजट अच्छा बहुत ही है या खराब है, ये निर्भर करेगा किस चीज पे, जो हमारा क्रियान्वयन है। तो दूसरा बिंदु हमारा उसका क्रियान्वयन, कि जैसे बजट में एक सप्तऋषि दिया गया है, जैसे सात सप्तऋषि हैं उसमें अंतर्गत, एक सप्तऋषि है, ऋषि है कि दूर क्षेत्र में बैठे हुए व्यक्ति तक भी इस बजट का लाभ पहुंचाए, तो वो कैसे पहुंचेगा, इसके क्रियान्वयन पर। और तीसरा बिंदु है मॉनिटरिंग, कि क्रियान्वयन कैसे होगा, वो होगा मॉनिटरिंग पे। हमें माइक्रो प्लानिंग करके और मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि जो हमने व्यवस्था दी है, जिनके लिए दी है, उन तक वो पहुंच जाए और जितने बजट का प्रावधान किया गया है वो 100% यूटिलाइज हो जाए। तो ये तीन चीज अगर हम अच्छी तरह कर ले जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक सर्वे के आधार पर हमने एक अच्छा सा बजट तैयार कर लिया, अच्छी सी योजनाएं बना ली साल भर के लिए, अगले साल के लिए, लेकिन उसका क्रियान्वयन पे अब हमें बल देना है, उसकी मॉनिटरिंग पे अब हमें बल देना है कि उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो जाए, और इसके लिए है मॉनिटरिंग। तो हमें मॉनिटरिंग इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होगी, जिससे कि हमारा 100% बजट यूटिलाइज हो जाए और जिनके लिए इस बजट का प्रावधान किया गया है उन तक वो बजट, उन तक वो सुविधा, उन तक वो लाभ पहुंच जाए। साथियों, अमृत काल का ये बजट 7 प्राथमिकताओं पर आधारित है। उनको सप्त ऋषि की संज्ञा दी गई है, तो वो सातों हमारे सप्त ऋषि बजट में कौन कौन से हैं, तो चलिए एक एक करके उन पर हम चर्चा करते हैं। हमारे जो 7 प्राथमिकता के बिंदु हैं, जिनको हम सप्त ऋषि कह रहे हैं, उनमें पहला है समावेशी विकास, दूसरा है कि अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, और तीसरा है बुनियादी ढांचा और निवेश, और चौथा है क्षमताओं का विस्तार, और पांचवा है हरित विकास, और छठा है युवा शक्ति, और सातवा है वित्तीय क्षेत्र फाइनेंस। तो इन्हीं 7 हमारी प्राथमिकता के बिंदु पे हमने ये 7 ऋषि की संज्ञा दी है कि इन पे आधारित ये हमारा बजट है। तो कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में बजट में जो पहला प्रावधान किया गया है वो ये है कि किसान को, हमारे बागवान को, हमारे मत्स्य पालक और पशुपालक को यही जानकारी नहीं हो पाती कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन खाद है, कौन बीज है, उनके रेट्स क्या है, उन पर अनुदान क्या है, कौन सुविधा हमें कहां से मिलेगी। बाकी क्षेत्रों में ये सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है, हम देख सकते हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में अभी ऐसा नहीं।
बजट में सबसे अच्छा ये खूबसूरत प्रावधान किया है कि किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत किसानों को घर बैठे उनके मोबाइल से ही सारी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो ये एक अच्छा कदम है बजट में। दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम है वो है एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड का प्रावधान करना। हम पैदा तो कर ले, फसलों को पैदा करना जानते हैं, पैदा तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग कैसी हो। तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए हमारे युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं, इसमें सरकार मदद करेगी। तो अभी बाकी क्षेत्रों में तो ये स्टार्टअप काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, अपने उद्योग धंधे लोग शुरू कर रहे हैं। इसे एग्रीकल्चर में लाने के लिए इस फंड का प्रावधान बजट में इस वर्ष किया गया है। तो ये अच्छा कदम है, लेकिन वही निर्भर करेगा हमारी मॉनिटरिंग और हमारे क्रियान्वयन पर कि हमारे सभी कृषि से जुड़े हुए युवाओं तक इस योजना का, इस फंड का लाभ पहुंच जाए। हमारे कपास उत्पादक किसान जो है, कपास हमारे देश में बहुत होती है, बहुत किसान हैं जो इससे जुड़े हुए। तो कपास फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए PPP मॉडल के अंतर्गत, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत क्लस्टर आधारित वैल्यू चेन बढ़ाने का प्रावधान किया है, जिससे जो हमारे कपास उत्पादक किसान हैं उनको फायदा मिलेगा। हमारे बागवानी के अंतर्गत बहुत सारे किसान जुड़े हुए, तो हमारे बागवानों के लिए इस बजट में 2200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें हाई वैल्यू बागवानी वो कर सकते हैं। तो इसको आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के अंतर्गत 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे कि हम हाईटेक बागवानी कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण को भी सुरक्षित करने के लिए जो बजट में मिलेट्स के लिए एक ग्लोबल हब, वैश्विक केंद्र स्थापित करने का प्लान किया गया है, कि जो हमारा बाजरा, भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में, उसमें इस हब को तैयार किया जाएगा। तो मिलेट्स जो पोषण से भरपूर रहते हैं, फाइबर से भरपूर रहते हैं, और जो हमारी धरोहर हैं, जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये व्यवस्था दी गई है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो बनाया था, और उससे पहले बाजरा और मिलेट्स के काला नमक और मिलेट्स के ऊपर एक मैंने बनाया था वीडियो, तो वो सारी व्यवस्थाएं विस्तार से उनके बारे में बताया था मैंने। तो उन वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, उसको देखिएगा कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी सरकार को। तो हमारा 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर डिक्लेयर किया गया है, और इंडिया उसका एक ग्लोबल हब बनने जा रहा है। तो ये एक कृषि क्षेत्र में एक अच्छा प्रावधान है। सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना, सारे किसान उसको जानते हैं, ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है। क्योंकि पहले किसान क्या था, सूदखोरों से, साहूकारों से पैसा लेता था और अपने बीज खाद खरीद कर अपनी बुआई करता था। तो
उनके चंगुल में अगर फंस जाता था तो किसान बाहर नहीं निकल पाता था। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड की योजना बहुत ही किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना है, और इससे ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान, बागवान, मत्स्य पालक, पशुपालक लाभान्वित हो सके, इसके लिए जो पिछले बार 18.5 लाख करोड़ का बजट था उसमें 11% की वृद्धि करके 20 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड से जो हम ऋण लेते हैं उसमें सबसे कम इंटरेस्ट पे हमें ऋण मिलता है, बशर्ते कि हम उसे समय से चुका दें। हमारे मत्स्य पालकों, हमारे मछुआरे भाइयों के लिए जो मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो ये भी एक अच्छी पहल है। इस बजट में सहकारिता क्षेत्र में सरकार से समृद्धि का जो विजन है उसके अंतर्गत 2516 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे 63,000 पैक्स हैं, हमारी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, उनको कंप्यूटराइजेशन करने के लिए ये प्रावधान किया गया है। तो हमारी जो किसानों की समितियां होती है उनके भी सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था इस बजट में की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो हम पहले करते थे लेकिन अभी हम रसायनों का इस्तेमाल करने लगे, तो हमें फिर से प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र खोलने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की का लक्ष्य रखा गया है, और रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ वैकल्पिक उर्वरक या जैविक उर्वरक बनाने के लिए पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। लघु सीमांत किसानों के लिए जो कृषि ऋण सीमा थी वो 1 लाख थी, इसको बढ़ाकर 1.6 लाख का प्रावधान कर दिया गया है। इसी क्षेत्र में नए नए बीज निकले, नए नए शोध हो, तो कृषि अनुसंधान के लिए भी 9,504 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गोबर धन स्कीम के अंतर्गत 500 नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, और हमारी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना थी वो यथावत चलती रहेगी। जो पीएम किसान योजना थी जिसमें 2,000 रुपये साल में कुल 6,000 रुपये किसानों को मिलते हैं, वो यथावत ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो पीएम किसान एक बहुत महत्वपूर्ण योजना और बहुत ही लाभकारी योजना है, जिसमें हमें नियमित रूप से 2,000 रुपये मिलते रहते हैं, तो वो यथावत चलते रहने का प्रावधान किया। उत्पादन में देश का भारत का 5वां स्थान है दुनिया में, तो इसमें रोजगार सृजन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए भी मीठी क्रांति के अंतर्गत बजट में प्राविधान किया गया है। तो इस तरह इस बजट में बहुत सारे बिंदुओं को जिनकी आवश्यकता थी उनको छुआ गया है। ये भी किया गया है कि जो हम अपना अनाज MSP पे बेचते हैं उसका पैसा पहले कैश मिलता था, अब उसको सीधे खाते में जाने की व्यवस्था की गई है कि बीच में कोई किसान के साथ कोई बेमानी ना कर ले, इसलिए वो पैसा जो आपने बेचा है MSP का जो पैसा है सीधा आपके खाते में चला जाए। तो ये सब बहुत सारी व्यवस्थाएं इस बजट के अंतर्गत दी गई है, और जैसे कि मैंने कहा कि हमारी कोई भी योजना, हमारा कोई भी बजट हमारी
क्रियान्वयन पर भी निर्भर करता है, उसकी सफलता उसके क्रियान्वयन पर और क्रियान्वयन उसकी मॉनिटरिंग पर निर्भर है। तो जितनी अच्छी मॉनिटरिंग हो जाएगी उतना अच्छा क्रियान्वयन होगा और अधिकतर बजट यूटिलाइज हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।